तो कृष्ण जी महाशिवरात्रि पे कुछ धमाका करने वाले हो? बिल्कुल जी, ठीक है, अपनी तरफ से तो ठीक ही काम करेंगे भाई। बिल्कुल। ये भैया 1 तारीख कल से 10वें में लग जाएगी। ये कल से 1 तारीख से 10वें में लग जाएगी। और पिछला मालिक तो 4 किलो दूध निकाल रहा था। अच्छा। लेकिन हम इसको 1-2-3 खड़ कम ज्यादा करके इसको ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी दांतों में 6 है और कल से 10वें महीने में 1 तारीख से 10वें में लग जाएगी। तो देखिएगा 6 दांत सेकंड टाइमर छोटी आप सब पशुपालकों के सामने। 20 किलो दूध वाली भैंस कोई कोई होती है, रोज नहीं आती। हम ये तो होता नहीं, हर बार हम 20 किलो की बताते हैं। जो दूध की भैंस है उसी के बारे में हम बताएंगे। सही, सही। ये ओरिजिनल इसने दूध दिया, एक नहीं इसके बहुत साथी थे, 13+ दूध दिए इसने फर्स्ट बार में। अच्छा। दांतों में शायद ये भी 6 ही है। 6 ही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सेकंड लैक्टेशन में कविंग। हाँ, सेकंड लैक्टेशन। हाँ जी भैया। तो आज के दिन क्या कुछ कीमत भैया? इसका रेट तो समझो 1,05,000 रुपए। हाँ। कोई भी भाई इस जोड़े को लेगा ना, हाँ, तो 2 लाख रुपए फिक्स हो जाएंगे इन दोनों। कई भाई कहते हैं किराया बहुत ज्यादा लगता है, तो 10,000 के आसपास ही सभी का किराया लगता है, उसमें आ जाएगा। जी जी जी। हाँ, कटड़ी साथ में। हाँ, कटड़ी साथ में। तो बात करें सर कीमत मूल भाव। संदीप भाई इसका रेट है 65,000 रुपए। बिल्कुल वाजिब रेट है, 65,000 रुपए में देने वाली बात है। ज्ञापन है और साथ में कटड़ी है। जी भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से पशुपालकों के सामने सावन के महीने में जबरदस्त जो ऑफर है लेकर के आए हैं, एक महाशिवरात्रि जो धमाका है वो हम कह सकते हैं। आज आप सब पशुपालकों को 4 से 5 पशुधन दिखाएंगे लेकर के 6 महीने से 9 से 10 महीने तक की जो कन्फर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो बफलोज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बात करें फेस वैल्यू की तो सबसे छोटा सींग माथे पे जमता हुआ आप देख सकते हैं, ब्यूटी वाली भैंसे। आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है निमोट, एक ही लोकप्रिय चेहरे रहे हैं किरसन निमोट सर के यहाँ से। और जब जब भी चाहे दीपावली धमाका हो, नववर्ष का धमाका हो, या फिर मैं कहूँगा महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व का जो धमाका हो, वो जितनी बार भी पशुधन लेकर के आते हैं हर बार अच्छा खासा पशुधन देखने को मिलेगा। तो आज भी उसी तरकीब ऐसे हैं, सीधा लेकर के चलेंगे सर के पास, जानेंगे एक एक पशुधन की डिटेल्स। कृष्ण जी सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार संदीप भाई, कैसे हो जी? ठीक, बिल्कुल बढ़िया है संदीप भाई। तो पिछली वीडियो का क्या कुछ रिस्पॉन्स? पिछली वीडियो भाई सभी सेल हो गई। एक अपनी भैंस थी, ये खाली रिपीट वाली, इसको बेचना नहीं है, इसको सेल ही रखा है बस। ठीक है, तो आज किस तरह का पशुधन वीडियो में लेकर के आयो? आज भैया अपने पास 2 जोड़ी है, एक तो मतलब हर डिमांड सभी की होती है इसमें जी, जिसको कह देते हैं अपनी देसी भाषा मिट्टी। हाँ हाँ। ये जैसे कि 1 महीना रह गया दूध भी 2-3 किलो दे रही है। अच्छा। हाँ जी, 1 महीना बच्चा देने का रह गया दूध। हाँ। फिर भी 2 से 3 किलो हाँ, दे रही है। हाँ, देखने को मिल रहा है। तो कृष्ण जी महाशिवरात्रि पे कुछ धमाका करने वाले हो? बिल्कुल जी, ठीक है, अपनी तरफ से तो ठीक ही काम करेंगे भाई। बिल्कुल। एक नंबर पे जो पशुधन है इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है एक बार? संदीप भाई या जोटी पहली बार मेरे के नाते गई थी पिछली बार, या बहुत बढ़िया। 2 दांत 12.5 किलो दूध 1 महीने 10 दिन की ब्याई हुई गई थी मेरे पास से। 2 दांत फर्स्ट टाइम? हाँ, 2 दांत थी। अच्छा। और 12.5 के आसपास दूध लेके गए थे, 1.5 महीने की ब्याई के नीचे जी। और अब ये भैया 1 तारीख कल से 10वें में लग जाएगी। ये कल से 1 तारीख से 10वें में लग जाएगी। और पिछला मालिक तो 4 किलो दूध निकाल रहा था। अच्छा। लेकिन हम इसको 1-2-3 खड कम ज्यादा करके इसको ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने बेरा ने क्यों हो गया उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो ट्राजेट दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उन ते। हाँ मैं बुझूं, सुनो ओके। हे बावली, देनु केल जेल दो भैंस ताई दूध दे दूध और 24 घंटे में सर। देनु केल जेल? हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए देनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए जी। तो अब ये समझोगा आप इसको एक टाइम भी निकालते हैं जो भी 3 किलो दूध निकाल देती है। अच्छा। अब इसको ड्राई करना है और ये कम से कम 5 किलो घी लेगी तब अच्छी बनेगी। अच्छा। अब इसको घी शुरू करते हैं तो दूध से ज्यादा हो जाएगी। पहले तो इसको सूखा थोड़ा डाल के इसको ड्राई कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, दांतों में 6 है और कल से 10वें महीने में। हाँ, 1 तारीख से 10वें में लग जाएगी। तो देखिएगा 6 दांत सेकंड टाइमर छोटी आप सब पशुपालकों के सामने और 3 किलो के करीबन जो दूध है अभी भी दे रही है। मैं कहूंगा ऐसी भैंसें बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी जो 10वें महीने में ज्ञापन यानी कि एंट्री करने के बाद भी जो लगातार दूध है वो दे रही हैं। फेस वैल्यू सबसे पहले आप देखिएगा, माथे पे जमता हुआ छोटा सींग ब्यूटी वाला जो फेस है इसमें आपको देखने को मिल रहा है, सुंदरता से भरपूर। लंबाई ऊंचाई आप देख सकते हैं, पीठ की क्वालिटी आप देखिएगा
और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें टिट स्पेसिंग, जो थनों का गैप है वो। तो टिट स्पेसिंग आप सब पशुपालकों को दिखा रहे हैं, ये आप देखो जी, लाजवाब टिट स्पेसिंग के साथ सेकंड टाइमर जो बफलो है वो। तो पीक पे कितना दूध इसका कृष्ण जी रहा भाई है? पिछली बार तो 1.5 महीने की ब्याई मेरे पास से गई जी, इस टाइम 12.5-12.5 दूध इसके नीचे तैयार था। 12.5-12.5 1.5 महीने की ब्याई के नीचे, ठीक है। अब की बार की बात ऐसी है भैया, कोई अच्छी चराई कर देगा, ढंग से डमा लेगा तो 13 भी दे दे 14 भी दे दे। अच्छा, हो सकता है 10-11 भी रह जाएगा, ड्राई नहीं करे तो। जी जी जी, तो देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, थनों के कूप, टिट स्पेसिंग आप देख सकते हैं अर्डर में, और 3 किलो जो दूध है आज भी दे रही है, छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ। और तो प्रेग्नेंट किससे करा रखा है इसको भैया? ये नहीं पता, क्योंकि मेरे पास से गई थी राजस्थान, एक भीमपरा गांव है। अच्छा, मानने से आगे जी, उन्होंने करवाई थी, मतलब शिशमन से करा, कौन सा ये नहीं पता इसका। ठीक है, हाँ जी। तो कृष्ण जी बात करें कीमत मूल भाव, संदीप भाई इसका रेट है 1,05,000 रुपए। 1,05,000, हाँ, ये ताजा की ताजा और बाखड़ी की बाखड़, बहुत बढ़िया सभी तरह की है। तो ठंडे पन से दूध दे रही है, बिल्कुल आराम से। हम तो खैर सुबह नहीं निकाला इसका, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि 2-3 खड़ करें इसको, ड्राई करेंगे। जी जी, तो ड्राई करना जरूरी भी है। तो दांतों में 6 है, दांतों में 6 है जी, 6, हां दांतों में 6। तो देखिएगा 1,05,000 रुपए कीमत, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, ताजा की ताजा, बाखड़ी की बाखड़ी। ताजा इसलिए क्योंकि 1 महीने का समय बचता है काविंग करने में, और बाखड़ी इसलिए क्योंकि 9 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट होने के बाद भी मैं कहूंगा आज के दिन 3 किलो जो दूध है वो दे रही है, मायने रखता है ऐसा पशुधन, लंबे समय तक दूध देने वाली जो झोटी है, सेकंड टाइमर झोटी इसको हम कह सकते हैं। अब चलते हैं सर दूसरे नंबर का जो पशुधन है आपका, क्या कुछ जानकारी है संदीप भाई? ये पिछले वीडियो में थी जी, इसका सौदा हो गया था 1,05,000 रुपए का। 1,05,000, कोई भाई इंग्लैंड में रहता है, ठीक है, उससे बात हुई थी जी, तो 5,000 उसने लगा भी दिए थे। वो ये कह रहा था भाई मैं 2-3 दिन बाद ले जाऊंगा जी, फिर बोला भाई एक और ऐसी कोई हमें मिली नहीं, उसकी वापसी कर दी। तो मतलब वो जोड़ा चाह रहे थे? हाँ, जोड़ा चाह रहे थे ऐसा। तो जोड़ा बना नहीं? हाँ, या पिछले जो एक जोड़ा और था उसमें से एक ले रहे थे, वो दे रखी थी तो मैं कैसे देता हूँ? वो दोनों जोड़ों में, जोड़े में ही दी आपने? वो दोनों जोड़ों में दी है, दोनों जोड़े। उनको अकेली फाड़ रहा था जो यहाँ पे थी 8 महीने वाली, उसको मैं ये नहीं लग रही हूँ। तो क्या कुछ जानकारी है एक बार बता भैया? ये इसकी तारीख बताई थी 20 तारीख से 10वें में या 20 तारीख से 9वें में। अच्छा, वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी ओंडी काटने लग गई है, लेकिन आप ये समझो अगर इस 20 तारीख से 10वें में लगेगी, ये देखो, ये मान के चलो आप अर्डर है, धीरे धीरे करके संभाल रही है, ताता विदेश से और ओंडी काटने लगेगी। वैसे देखी वाली से बहुत बड़ी अर्डर बना हुआ, 13+ दूध दी उसने फर्स्ट बार में। अच्छा, दांतों में शायद ये भी 6 ही है। 6 ही है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सेकंड लैक्टेशन में काविंग? हाँ, सेकंड लैक्टेशन। हाँ जी भैया, तो आज के दिन क्या कुछ कीमत भैया? इसका रेट तो समझो 1,05,000 रुपए। हाँ, कोई भी भाई इस जोड़े को लेगा ना, हाँ, तो 2,00,000 रुपए फिक्स हो जाएंगे दोनों के। तो ये देखिएगा दोनों 9-9 महीने की ग्याबण है। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हूँ कृष्ण? हाँ बिल्कुल सही है। और 1,05,000 रुपए अगर सिंगल को कोई लेगा, 1,05,000 और अगर दोनों का जोड़ा लेगा तो 2,00,000 रुपए में दोनों फिक्स रेट होगा। 2,00,000 रुपए में कई बार कहते हैं किराया बहुत ज्यादा लगता है, तो 10,000 के आसपास ही सभी का किराया लगता है उसमें आ जाएगा। जी जी जी, हाँ जी, ये देखिएगा जी महाशिवरात्रि धमाका कह रहे हैं, 10,000 रुपए जो लेस कर रहे हैं। काफी सारे पशुपालक भाई फोन करके कह देते हैं कि किराया ज्यादा, जो ट्रांसपोर्ट जो ट्रैवलिंग है उसकी जो कॉस्ट है ज्यादा पड़ती है। संदीप भाई सीधी सी बात है, 1.5-1.35 से घाट कोई भी बिकने की नहीं है, बिल्कुल, और 1 महीने में कोई मतलब ज्यादा दाम नहीं है। हाँ हाँ, तो 1 नंबर वाली 3 किलो दूध आज भी दे रही है। हाँ, उसको हम तो ड्राई कहेंगे क्योंकि मैं उसको ड्राई कर दूंगा 2-3 दिन में। अच्छा, सुबह नहीं निकाला, अब निकालेंगे थोड़ी देर बाद में, खाली कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक, क्योंकि फिर गर्मी भी तो बढ़ती है ना। जी, जी। अब इसको घी भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर घी देंगे दूध बढ़ जाएगा। अब इसको सूखा थोड़ा डालते हैं, नॉर्मल, हाँ, चाट बंद कर रखी है इसकी। तो दोनों के 2,00,000 रुपए, दोनों 9 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट, 10वें महीने में एंट्री कर चुकी हैं, दोनों झोटियां काफी अच्छी हैं। बात करें 2 नंबर के पशुधन को लेकर के, तो सेकंड लैक्टेशन में ये भी काविंग करेगी, चेहरे मोरे की बनावट से ऊंचाई लंबाई, जो पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हैं, अडर की सिलवटें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, अडर संभाल रही है, और थनों के कूप वगैरह आप देख सकते हैं निकल रहे हैं, और पीछे जो तांते बोलते हैं आपको इसके यहाँ पे जो लगे हुए हैं पीछे, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पीक टाइम पे क्या कुछ दूध रहा है वैसे? 13.5 रहा है, 13-13.5 किलो। हाँ जी भाई साहब, फर्स्ट टाइमर का रहा है, ठीक है। तो कृष्ण जी तीसरे नंबर का पशुधन अब की बार 20 किलो दूध की उम्मीद। हाँ, संदीप भाई ये भैंस है चौथे ब्यात में भी आएगी अब जी, अपने एक साथी के पास में थी, ठीक है, इसने दूध दिया है 21-20-21। हाँ जी, और रेगुलर दूध दिया इसने जी, और चौथी बार अब भी आएगी ये इसको, यानी कि आज पूरे हो गए 31 तारीख को। अच्छा, हाँ, अब ये 4 दिन ले, 5 दिन ले, 6 दिन ले जी,
इसका पता नहीं है। तो फोर्थ लैक्टेशन में पशुधन बफलो आप देख लीजिएगा, पूरे भारी भरकम दूध तो है ही है, दूध की क्वालिटी, दूध के साथ में घी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी जी, बहुत बढ़िया घी की क्वालिटी है भैंस में। तो और सिद्धि शरीफ एक नंबर की है। चौथे ब्यात में काविंग करेगी, मोटी मोटी नसें आप देख लीजिएगा, पूरे स्किन के ऊपर नीचे जो थन है, थन वगैरह आप देख लीजिएगा, और बिल्कुल पतली चमड़ी का जो पशुधन है वो, ये आप देखिएगा, बारीक पतली चमड़ी है, भी बहुत है, और पेल्विक बोन के ऊपर लूज स्किन है, धीरे धीरे करके नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी, यानी कि कल से इसका समय पूरा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो 20 किलो दूध अगले के 20 प्लस है भैया। अच्छा, 20 प्लस और रेगुलर दिया है। जो इसका दूध या दूध लेकर जाता था ना, उससे अपना संपर्क अच्छे थे। अच्छा, उसने बताया कि रेगुलर दूध देती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो लंबाई ऊंचाई आप देख लीजिएगा, काफी जबरदस्त भारी भरकम शरीर का पशु, और पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है, और अडर की क्वालिटी पंचायती बुल से जो गाँव में अच्छा बुल है, बढ़िया, उससे इसको बता रहे हैं। तो कृष्ण जी, बात करें कीमत मोल भाव आज के दिन। संदीप भाई, इसकी माफी चाहूंगा, रेट मौके का ही होगा। कारण है 1% भाई अब ना बिक पाए तो बेहने के बाद में इसकी मिल्किंग कराएंगे, भगवान चाहे अच्छा काम रह गया तो जी, तब इसका रेट होगा मौके का। अच्छा, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट करने वालों से मैं सभी का फोन उठाता हूँ, किसी भाई को कोई बात हो तो पूछ सकता है फोन करके। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आज का रेट कुछ है, 4 दिन बाद कुछ है, बयाने में क्या पता भी कैसा हो, ऊपर वाला जाने भाई, बयाने में कोई दिक्कत हो जाए, अच्छे से बह जाए तो पूरा दूध देना ही है। जी जी, 20 प्लस देना, 21 22 23 भी दे सकती है, क्योंकि खाने में बहुत अच्छी है। ठीक है, नहीं आई है तब 20 के कोई फर्क नहीं ऊपर पड़ने का, बहुत अच्छी भैंस है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, इसको गैबिंड देना ज्यादा पसंद नहीं करोगे, बच्चा डिलीवरी करने के बाद, जैसे कि बहुत भाई पशुपालक जुड़ रहे हैं, उनमें से हमारे बहुत से क्लोज साथी हैं, उनको हम बगैर ब्याज भी दे सकते हैं। अच्छा, और नया आदमी फिर कई बात करेगा, भैया 20 देगी, दब देंगे पैसे, कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो एक गलत बात हो जाएगी। तो देखिएगा जी, हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं पशुधन, काफी दिनों से पहले पशु के बारे में ये बात कही है, क्योंकि कई बात हो जाती है, फिर बाद में 2-4 दिन बाद पीछे फिर वो दिक्कत आने वाली बातें हो जाती है, तो ये मैंने पहले रिक्वेस्ट की है सभी भाई। चलिए जी, हाँ, देख लेते हैं एक बार, मैंने रेट आप लोगों के सामने कंफर्म किया है वैसे। हाँ, और कह रहे हैं कि बच्चा देने के बाद इसको सेल करना, और वैसे संदीप एक बात बताऊं भाई जी, कमेंट वही बंदा करता है जो पशु लेने वाला नहीं होता। मैं बता देता हूँ आपको ये बात, जिसको बहुत शौक तो ये नहीं पता पशु के बारे में, पशु है कैसा, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई करना चाहता है तो पहले फोन कर ले, उस गलत बात नहीं करे कृष्ण जी। देखिएगा, सबके अपने व्यूज हैं, सब तो मेरे से भी खुश नहीं है, मेरे को भी कहीं ना कहीं गालियां मिलती रहती हैं, तो आदत सी हो गई अब तो, क्योंकि पिछली बार मेरे पास मैंने 3-4 पैसे रखी अपना मन करके, जो 20 प्लस की ली थी और उन्हें निकाला भी है जी, कोई संपात में आ गई, किसी का कुछ हो गया तो मतलब पूरी खरी ना उतर पाई, इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। ये मतलब है कि कमिटमेंट आप कर रहे हो, कल ना क्या पता क्या कुछ भी हो सकता है, फिर बोलेंगे कि बड़ी बड़ी डिंगे हाँ गए थे, इस बात को ये है कि अच्छे से बह जाएगी ना जी, तब अपने भाइयों को बिल्कुल सही रेट में देंगे। चलिए ठीक, 2 रुपए की दाल रोटी लेके। तो ये पशुधन, इसकी क्या कुछ जानकारी है? चंदी भाई, डेयरी माता आई से परसों। अच्छा, 6 महीने की प्रेग्नेंट, 28 तारीख हो चुकी है, 6 महीने की कंफर्म चेक, यानी कि 3 दिन गए इसके साथ में, नीचे बच्चा, नीचे कटड़ी है, ये कटड़ी है साथ। तो और दूध तो 2-1 किलो देती है, धनी तो 4 बताओ थे, लेकिन उसके 100 पर खुट्टा कर दिया हो। अच्छा, 2 किलो दूध दे रही है, सुबह प्रेग्नेंट करा रखा है, कुछ नहीं पता, डेयरी से आई है। ब्याज की बात करें तो ब्याज चौथा है इसका, चौथा 14 लीटर दूध इसने ठंडा दे रखा है तीसरे ब्यात में। हाँ, ये दारूडा के पास खरकड़ा गांव, वहां से लेके आया आज। हाँ जी भैया, तो देखिएगा फोर्थ लैक्टेशन में काविंग करेगी, कंफर्म 6 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट, और मीडियम हाइट है पशुधन का, शरीर से थोड़ा सा दुबलापन, इसलिए क्योंकि डेयरी फार्मर अक्सर मैं कहूंगा इतनी भैंसों में थोड़ी सी केयर नहीं हो पाती इसी वजह से, और मौके पे 2 किलो जो दूध है वो थन पास करा देगी आराम से, ये 2 किलो भी रीख के देती है। अच्छा, सुबह आराम से खाली पेट देती है, कटड़ी से दूध देती है, तो कटड़ी साथ में है। हाँ, कटड़ी साथ में। तो बात करें सर कीमत मूल भाव, संदीप भाई इसका रेट है 65,000 रुपए, बिल्कुल वाजिब रेट है, 65,000 रुपए में देने वाली बात है, ज्ञापन है और साथ में कटड़ी है जी भाई, अगर कटड़ी के बिना कोई लेना चाहे तो ये जा ही नहीं सकती है, ये लवासों की तरह एज करती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कटड़ी साथ बहुत ज्यादा एज करती है, अगर इसको उधर भी ले गए ना तो भी कटड़ी बगैर नहीं जाएगी। ये देखो जी, 65,000 रुपए में कटड़ी वाली जो ग्याबिन बाखड़ी भैंस है वो आप सब पशुपालकों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, और 4 पशुधन आज की स्पेशल वीडियो में हमने जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको दिखाए। तो कृष्ण जी और क्या कुछ कहना चाहोगे? संदीप भाई एक तो बात यह कहनी से, मैं एड्रेस मैंने बार बार बता रखू से फिर बता दूसू, मेरा गांव निमोट, जिला रेवाड़ी, स्टेट हरियाणा। हाँ हाँ, कोई भी भाई ज्यादा परेशान ना करे, अब भाई कहाँ से है ये, निमोट कहाँ है ये, रेवाड़ी कहाँ है जी, ये हरियाणा कहाँ है, इस प्रकार की बातें ना करे, सभी को पता आज वीडियो नहीं बना रहे, काफी साल से बना रहे
और पशुओं का काम भी काफी साल से कर रहे हैं जी। तो एक तो ये कहना है, ठीक है। दूसरी बात ये है, जैसे कई बार शॉर्ट वीडियो चलती है तो शॉर्ट वीडियो जितनी भी चलती है ना उसके टोटल फोन मेरे पास आते हैं, मैं सभी का फोन उठाता हूँ जी। कोई भाई कहता है इसका रेट बता भाई, भाई कौन सी भैंस है पता नहीं भैया आगे से देखी थी कोई कहता है भाई पता नहीं पीछे से देखी थी, चारों थन दूर दूर थे। हाँ हाँ। कोई ये कह रहा है भाई लंबी सी थी मोटी सी थी, भाई वीडियो में सब कुछ बता रखे, रेट भी बता रखे उसे और एड्रेस भी बता रखे उसे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कोई भाई परेशान ना करे, बिल्कुल सभी का फोन उठाता हूँ, किसी के पास वापिस करता उठा नहीं पाया तो बहुत से तो ये याद नहीं रहता तुम्हें फोन किया था, ऐसा भी फिर बाद में बोलेंगे हमने तो फोन किया ही नहीं था, है ना। कई कई बार तो गाली गलौज तक बात हो जाती है, जो बदतमीज प्रकार के आदमी है ना जी, जी। कुछ बच्चे होते हैं वो पता नहीं वो खैर क्या बताएं, लेकिन ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी होता है कृष्ण जी। हाँ। बहुत बार फोन आएंगे ऑफिस से फ्री होकर के, जब कॉल बैक करेंगे तो बोलेंगे हमने तो फोन किया ही नहीं, और फिर बताएंगे फोन किया था तो कहेंगे फिर गलती से लग गया, ऐसा होता है, है ना। एक बात तो ये, दूसरी बात भैया 20 किलो दूध वाली भैंस कोई कोई होती है, रोज नहीं आती हम, ये तो होता नहीं, हर बार हम 20 किलो की बताते हैं, जो दूध की भैंस है उसी के बारे में हम बताएंगे। सही, सही। ये ओरिजिनल इसने दूध दिया, एक नहीं इसके बहुत साथी थे। हाँ, हाँ। दूर से बिना लिए, कनीना के पास करीरा गांव है, करीरा फौजी भाई साहब के पास। हाँ, करीरा से लिए मैंने। कोई भाई एड्रेस लेना चाहे ना उसका भी दे सकता हूँ अगले, चलो चलो बाकायदा फोन नंबर अपनी तसल्ली कर सकता है। तो चलिए कृष्ण जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आज की अच्छी जो वीडियो, और मैं कहूंगा महाशिवरात्रि धमाका है, काफी अच्छे जो पशुधन है इन्होंने दिखाए हैं, लेकर के 6 महीने से 9 से 10 महीने तक की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट बफलोज और ब्यूटी वाली जो छोटियां हैं वो इनके फार्म पे आज की स्पेशल वीडियो में देखने को मिली। न सिर्फ सुंदरता से भरपूर, न सिर्फ क्वालिटी से खरा पशुधन, बल्कि रेट भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा वाजिब से हैं। तो जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव निमोट से थी, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़ा डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।